वेलकम टू यस के हैंडेड सर। यस के हैंडेड सर पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कल हमने सिंबल एंड नोटेशन का कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे और आज के वीडियो में हम उसका अगला कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 11, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ पी डिनोट्स मल्टीप्लाई, टी डिनोट्स सब्ट्रैक्शन, एम डिनोट्स एडिशन, बी डिनोट्स डिवीजन, देन 28 बी 7 पी 8 टी 6 एम बी इक्वल क्वेश्चन मार्क। मतलब ये है कि पी का मतलब गुणा है, टी का मतलब माइनस है, एम का मतलब प्लस है, पी का मतलब भाग है। देन यानी तब 28 बी 7 पी 8 टी 6 एम 4 बराबर क्या होगा? तो देखिए, 28 बी बी क्या डिनोट्स है? डिवीजन यानी भाग। 7 पी पी डिनोट्स क्या है? मल्टीप्लाई। 8 उसके बाद टी डिनोट्स क्या है? सब्ट्रैक्शन यानी -6। एम डिनोट्स एडिशन यानी +4। तो 28 में 7 का भाग करेंगे तो क्या आएगा? 7 4 जट 28, तो यानी 4 गुणे में 8 -6 +4। उसके बाद 80 84 जा 32, 8 4 जा 32 -6 +4। उसके बाद ये प्लस प्लस को हम काउंट कर लेंगे, तो इसका इसको काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 -6। अबे 36 में से -6 कर देंगे तो क्या बचेगा? 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। इफ़ पी डिनोट्स डिवीजन, क्यू डिनोट्स मल्टीप्लाई, आर डिनोट्स एडिशन, एस एंड एस डिनोट्स सब्सट्रैक्शन, देन 18 Q 12 P 4 R 5 S 6 इक्वल यानी पी का अर्थ भाग है, क्यू का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ प्लस है यानी जोड़, यस का अर्थ माइनस है। और तो इसको हमें हल करना है। तो आइए देखते हैं, 18 Q का अर्थ क्या होता है? गुणा 12। अब P का अर्थ भाग, 4 R का अर्थ +5, यस का अर्थ -6। अब देखिए, पहले हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो 4 का भाग 12 में करेंगे तो 4 3 12 यानी 18 गुणे में 3 +5 -6। उसके बाद 18 3 54 +5 -6। अब इसको प्लस प्लस को काउंट कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 59 -6। अब 59 -6 यानी 59 में से -6 करना है तो क्या बचेगा? 53। यही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 31। उसके बाद यहाँ पे कुछ सिंबल होगा 4, यहाँ पे भी कुछ सिंबल होगा 2, यहाँ पे भी कुछ सिंबल होगा 1 इक्वल 30 के बराबर होगा। तो हमें इस ऑप्शन में से ऐसा कौन सा सिंबल लगाया जो हमारे इस समीकरण को हल कर दे? तो आइए हम एक एक करके सभी सिंबलों को इस क्वेश्चन में लगाते हैं। तो देखिए, अगर हम ऑप्शन ए लेंगे तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भाग, यहाँ पे मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम ये ऑप्शन नहीं ले सकते। अब देखिए, हम लेंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लेंगे तो ये माइनस
उसके बाद ये प्लस, उसके बाद ये डिवीज़न। तो अब देखिए इसमें से अब इसको प्लस कर देंगे, 31 को 2 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 33। अब 33 और 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 29। तो इसलिए ऑप्शन हमारा ये भी नहीं हो सकता है। अब हम ऑप्शन लेंगे सी। ऑप्शन सी में क्या है, प्लस माइनस और गुणे है। तो यहाँ पे देखिए इसको प्लस करेंगे तो 35 हो जाएगा, उसके बाद माइनस है, उसके बाद ही गुणा करा देंगे तो 2 का गुणा कराएंगे तो 1 ही होता है 1 में। तो इसको माइनस करेंगे 35 में से 2 को तो 33 आ जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता है। अब हम ऑप्शन लेंगे डी। तो देखिए 31 माइनस 4 और भागा 2 प्लस 1 इजकल टू 30। तो अब देखिए अब इसका इसमें भागा करेंगे तो 31 माइनस 2 2 ज़ा 4 यानी 2 आएगा प्लस 1। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस को काउंट करेंगे उसके बाद, तो इसको इसको काउंट करिए तो 32 हो जाएगा माइनस 2। अब 32 में से माइनस 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 30, जो हमारा 30 30 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या कहते हैं ऑप्शन डी करेक्ट। ओके अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देख लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 20 यहाँ पे कुछ सिंबल होना चाहिए, और 10 यहाँ पे कुछ सिंबल, 5 यहाँ पे भी कुछ सिंबल, 4 और यहाँ पे भी कुछ सिंबल, 36। तो ऑप्शन हम इसी ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सिंबल ले जो हमारे समीकरण को संतुलित कर दे यानी करेक्ट कर दे। तो अगर हम ऑप्शन सी लेते हैं या ए लेते हैं, पहले कोई भी ले लीजिए, हम सी ले रहे हैं। ठीक है, तो 20 गुणे में 10 भागा 5 माइनस 4 इजकल टू 36, यही होता है। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे तो 5 का 10 में करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 माइनस 4 उसके बाद बराबर 36। अब देखिए 20 2 ज़ा क्या होता है, 40 माइनस 4 बराबर 36। अब 40 में से माइनस 4 कर देंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा बराबर 36। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, सी। अब या तो हम ले लेते हैं ऑप्शन बी, तो या बी लेंगे या सी, तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, इसलिए हम ऑप्शन सी इज करेक्ट मान लेंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, इफ माइनस मीन्स प्लस, प्लस मीन्स माइनस और मल्टीप्लाई मीन्स डिवीज़न एंड डिवीज़न मीन्स मल्टीप्लाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। मतलब इसमें से इस नियम को फॉलो करते हुए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हम नीचे से ले जाते हैं तो ऊपर तक, या आप इधर से लीजिए, आप इधर से, बात एक ही है। तो अगर हम नीचे से लेते हैं तो 30 उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब डिवीज़न, 5 अब माइनस, माइनस का मतलब क्या है देख लीजिए, माइनस का मतलब प्लस, प्लस 4 अब डिवीज़न का मतलब क्या है, गुणे गुणे 10 उसके बाद प्लस 5 बराबर 41। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 6 ज़ा 30 यानी 6 प्लस, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 10 ज़ा 40 प्लस 5। ठीक, बट यहाँ पे हमारा कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, कि प्लस का मतलब माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस होगा, अब यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, नहीं यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, उसके बाद बराबर 41। तो अब देखिए इसको प्लस प्लस को काउंट कर देंगे तो 46 हो जाएगा माइनस 5 बराबर 41। अब 46 में से माइनस 5 करेंगे तो 41 बच होगा, और 41 इक्वल 41, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट।
तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। तो इसमें क्या है, इफ हैज मीन्स छोटा, ओ मीन्स बड़ा, और क्या कहते हैं, रेक्टेंगल मीन्स इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज डेफिनेटली फॉर्म ए। मतलब ये कह रहा है कि यदि हैज का अर्थ छोटे से है, ओ का अर्थ बड़े से है, और आयत का अर्थ किससे है, बराबर से है, तो इस समीकरण को फॉलो करते हुए निम्न ऑप्शन में से एक को करेक्ट करिए, यही कह रहा है। तो देखिए अब ओ का मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, ओ तो है ही है, ठीक, तो ए, अब ओ का मतलब क्या है, छोटे से है, बी बड़े, सॉरी बड़े बड़े से है, उसके बाद बी हैज का मतलब छोटे से है, सी उसके बाद ये रेक्टेंगल का मतलब इक्वल, डी। अब इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस समीकरण को फॉलो कर रहा है। तो जैसे हम ऑप्शन ए लेते हैं, तो ए रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, इक्वल बी, जो कि ये नहीं है, मतलब इस समीकरण के अनुसार ये नहीं फॉलो हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये नहीं हो सकता है। अब हम लेते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, बी उसके बाद ओ का मतलब बड़ा, ठीक, तो डी, तो हमारा ये भी ऑप्शन क्या कहते हैं, राइट नहीं है, इसलिए हम, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए समीकरण में क्या है, डी सभी के इक्वल है, यानी अगर तीनों को काउंट करने पर, तीनों को वो कर लें, मतलब इक्वल मतलब प्लस कर लें, तब जाके हमें डी का मतलब आ जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम कुछ ऑप्शन नंबर सी की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, बी इक्वल डी, जो ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन डी में देखते हैं, डी में क्या है, बी हैज डी, तो इसलिए इसमें देखिए डी जो क्या कहते हैं, बी से बड़ा है, इसलिए ये हमारा समीकरण के अनुसार फॉलो हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इफ स्टार मीन्स सब्सट्रैक्शन, माइनस मीन्स डिवीजन, रेक्टेंगल मीन्स एडिशन, एंड डिवीजन मीन्स मल्टीप्लीकेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए 30, अब रेक्टेंगल का मीन्स एडिशन यानी प्लस, 3 स्टार का मीन्स सब्ट्रैक्शन यानी -6, और डिवीजन का मीन्स मल्टीप्लाई 8, और माइनस का मीन्स डिवीजन 4, 4 उसके बाद रेक्टेंगल का मीन्स प्लस 14। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो 4 का 8 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 + 3 - 6, तो क्या आ जाएगा, 2 + 14। अब 2 का मल्टीप्लाई करिए तो 13 + 3 और मल्टीप्लाई -12 + 14 ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस को काउंट कर लेंगे, तो 13 3 14, तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 3 6 और 4 10, 10 का शून्य हासिल, 1 1 1 2 3, 3 आ गया। उसके बाद -12 करना है, तो 12 कर दीजिए तो ये 8 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 1, यानी ऑप्शन ए यानी 18 आ जाएगा आंसर, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इस करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 3 9 3 + 8 = 24, 10 2 + 7 = 35, एंड 18 40 + 3 = 6, देन फाइंड द 12 4 + 3 = क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा है, कोई कॉन्सेप्ट लगा के 24 लिखा है, तो इसमें क्या चेंज किया है, अगर हम इसको डिवीजन कर दें और इसको क्या कर दें, बताइए,
मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा लगभग ये आ जाएगा। कैसे देखिए, 9 डिवीजन 3 मल्टीप्लाई 8 बराबर 24। तो देखिए अब इसको इसमें डिवीज़न करेंगे तो 3 3 9 यानी 3 मल्टीप्लाई 8 बराबर 24। तो अब देखिए 8 3 24 होता है, इसलिए हमारा 24 24 बराबर आ गया, इसलिए हमारा ये कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो देखिए इसको भी ऐसे ही करेंगे, ओ तो 2 का डिवीज़न 10 में करेंगे तो 5 5 7 जा 35। इसी प्रकार इसको भी करेंगे तो इसको भी करेंगे तो 14 से 18 में डिवीज़न करेंगे तो 14 2 जा 80 तो क्या आ गया 2, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करा देंगे तो 2 3 जा 6 ये आ गया। इसी प्रकार इसी कॉन्सेप्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे तो और गुणे में 3, उसके बाद क्या करेंगे 4 से इसको मल्टी डिवीज़न करेंगे तो 4 3 जा 12 यानी 3 गुणे में 3 बराबर 3 3 जा 9। तो हमारा आंसर 9 आ गया, इसलिए ऑप्शन हमारा 20 राइट हो गया। आइए हम देखते क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 35 है, मतलब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लगाया है जिससे ये सब तीनों सॉल्व किया, हमको यही सॉल्व करना है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, 35 इसकी जगह पे हम अगर डिवीज़न का चिन्ह लगा के इसको भी 5 मल्टीप्लाई 2 कर दें तो शायद आ जाएगा हमारा आंसर। जैसे इसको इसमें डिवीज़न करेंगे तो 5 5 जा 25 होता है यानी 5 मल्टीप्लाई 2 बराबर 10, इसलिए 5 2 जा 10 होता है, इसलिए हमारा 10 10 इक्वल हो गया, इसलिए हमारा ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो देखिए हम इसी कॉन्सेप्ट को इसमें लगाते हैं तो 3 5 जा 15 तो 5 6 जा 30। इसी प्रकार इसमें भी 4 4 5 जा 20 और 20 और 5 का 7 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 7 जा 35। इसी प्रकार इसको भी देख लीजिए, 24 डिवीज़न 3 मल्टीप्लाई 5 तो इसका इसमें डिवीज़न करेंगे तो 3 8 जा 25 24 तो 8 मल्टीप्लाई 5 तो 8 5 जा 14 होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, इंटरचेंज ऑफ साइन एंड नंबर्स वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, मतलब इसमें कौन सा नंबर और कौन सा साइन बदल दें ताकि हमारा 16 के बराबर हो जाए। तो देखिए हम अगर ऑप्शन ए लेते हैं तो अगर हम देखिए ऑप्शन ए लेंगे तो 6 और यहाँ पे क्या कहते हैं प्लस, प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, गुणे की जगह पे क्या प्लस और 4 और 2 में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बराबर 16। तो इसमें देखिए 2 4 जा 8 होता है तो 6 प्लस 8 बराबर 16 16 जो हमारा नहीं आ रहा, इसलिए हम ऑप्शन ए नहीं ले सकते। अब ऑप्शन बी लेते हैं, ऑप्शन बी लेते हैं तो देखिए इसमें क्या है 4 और 6 में चेंज किया, यानी 4 और 6 में चेंज किया है तो 4 उसके बाद क्या कहते हैं साइन में क्या इसको प्लस किया है और यहाँ पे 6 गुणे में 2 कर दिया है बराबर 16। उसके बाद क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 4 प्लस 6 2 जा 12 बराबर 16। अब देखिए 4 और प्लस 12 क्या हो जाएगा 16 इक्वल 16 हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए और क्वेश्चन सॉल्व किए इस लेसन में। तो आज के लेसन में बस इतना ही, अगले लेसन पे हम देखेंगे एसएससी में आए हुए कुछ क्वेश्चन ताकि हमें पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या उस सवाल में लग रहे हैं कि नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।